am not sure about this. Prophet Muhammad never said he was Sunni. He gave us the Sunnah. He never said he was Shiite. But through his daughter Fatima, he had Hussein and Hassan. Huh? Come on. He never said he was Hanafi, Sufi. That's your stuff. Be what he was. He was a Muslim. हुसैन है ऐसा बादशाह हुसैन है ये बात किस कदर हंसी ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पना हुसैन है मेरा हुसैन है के दीन की पना हुसैन शहीद करबला का गम जिसे बिना गवार हैं वो बद नसब वो बद अमल उसी पे बेशुमार है अरे ओ दुश्मने असल अरे ओ दुश्मने असल तुम्हारे जरा लहद में चल हाँ पता चलेगा क्या हुसैन है हाँ पता चलेगा क्या हुसैन है मेरा हुसैन है पता चलेगा क्या हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन ये दीन जो बचा गया हुसैन आपकी है मेहरबानी हजरत फातिमा तज़ाहरा कहती मैं पर्दे के पीछे देख रही थी नबी पाक ने इमाम हसन और हुसैन से फरमाया चलो मेरे सामने कुश्ती लड़ो तो दोनों हजरात आपस में जब कुश्ती लड़ने लगे तो नबी पाक ना इमाम हसन को कहते हसन हुसैन को टांगों से पकड़ो हसन हुसैन को पीछे से पकड़ो जब नबी पाक बार बार इमाम हसन को बता रहे थे तो सय्यदा पीछे से बोल पड़ी कहने लगी या रसूलल्लाह आप छोटे को बताए आप बड़े को बता रहे बड़ा तो पहले 11 महीने बड़ा है तो आप छोटे को बताए बड़े को बता रहे तो फरमाया फातिमा तू चुप करना जो मैं देख रहा हूँ तू नहीं ना देख रही एक को मैं बता रहा हूँ दूसरे को जिब्रील अमीन बता रहे हैं 10 मुहर्रम का रोजा रखना मसनून है साथ 11 का या 9 का शामिल कर दिया जाए रोजा अगर आशूरे का रखना चाहें तो उसके लिए सुन्नत यह है कि साथ या 9 का शामिल करें या 11 का शामिल करें जो अफजल तरीन रोजे हैं उनमें से आशूरे के रोजों का भी शुमार होता है तो अगर मुमकिन हो तो जिनको अल्लाह ने सेहत अता की है आजकल इतनी शिद्दत की गर्मी भी बाकी नहीं रही तो वो ये रोजे रखें जिक्र और फिक्र के अंदर इन अय्याम को गुजारें कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है जानदार है हजरत सय्यदा ज़ैनब ने जब सुना ना कि ये कह रहा है कि मेरे मुझे अल्लाह ने इज्जत दी तो जनाब ज़ैनब बोली नुमान बिन बशीर कहते हैं बीबी बोली इतने सदमे हैं पर जनाब ज़ैनब बोली अल्लाह अकबर इस अंदाज में बोली कि पहले कुरान मजीद की आयत पढ़ी कहने लगी वतुइज़ु मन तशा وَتُزِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے 4 دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک منبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے تو علی کی آواز لگتی ہے جبریل امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کی گہر رول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے دیکھ یہ میرے باپ دادا کنارے دیکھ میرے باپ کنارے تیرے کنارے ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی
और जब मौज़न ने कहा ना अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसका हाथ पकड़ के कहने लगे ये मेरे नाना के नारे लग रहे हैं। दस मुहर्रम वाले दिन जब सब शहीद हो गए ना, तो इमाम हुसैन ने मौला अली असगर को अपने हाथों में बुलंद किया और कहा बेटा ये 9 लाख का लश्कर है, यहाँ मेरे अब्बास जैसे भाई शहीद हो गए, तुम जंग कैसे लड़ोगे, ना तुम तलवार उठा सकते ना तुम तीर उठा सकते, जंग कैसे लड़ोगे। तब जनाब अली असगर ने बाबा से मुखातिब होकर कहा न तीरों से न तलवारों से होकर लैस जाना है, मुझे कातिल के आगे बस जरा सा मुस्कुराना है, हर बेआस चेहरे की यहाँ पर आस बन जाऊं, अगर तू इज्न दे दे तो तेरा अब्बास बन जाऊं।